जयपुर के मुहाना थाने इलाके में बदमाशों का आतंक जारी है। दरअसल सीएमएचओ अधिकारी बनकर आए तीन बदमाश एक क्लिनिक संचालक से लूटपाट कर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने एक क्लिनिक संचालक से मारपीट कर 50,000 रुपए लूट लिए। इधर घटना के बाद टोंक निवासी धीरज जायसवाल ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि मुहाना मंडी गेट के पास क्लिनिक चलाते हैं, जहां कार सवार तीन व्यक्ति आए और खुद को सीएमएचओ अधिकारी बताते हुए दवा चेक करने लगे। उसके बाद पीड़ित को कमरे में ले गए और वहां जाकर मारपीट कर 7,000 रुपए छीन लिए। साथ ही कार में बैठाकर सुनसान जगह ले गए और 1,00,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने मना कर दिया तो क्लिनिक सीज करने की धमकी दी। उसके बाद पीड़ित के भाई से ऑनलाइन रुपए मंगवाए। थाना प्रभारी लखन सिंह खटार ने बताया कि बदमाश गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लाए थे, तो वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादविंदर, देखिए पूरा मामला आया जहां पर सीएमएचओ अधिकारी बनकर आए कुछ बदमाश जो है लूट कर ले गए सामान, डॉक्टर के साथ में मारपीट भी की गई, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए सामान लूट कर नहीं ले गए हैं आयुषी, 50,000 रुपए की नकदी है वो लूट करके यहाँ से लेके गए, चूंकि जो तीनों जो बदमाश थे ये बोलेरो में सवार होकर के आए थे और इन्होंने सबसे पहले आने के बाद जो परिवादी है उसके क्लिनिक में घुसे और ये बताया कि वो सीएमएचओ अधिकारी है। सीएमएचओ अधिकारी देख करके और साथ में जो बॉलेरो को देख करके इस तरीके से प्रतीत भी हुआ उसको कि वाकई में लगा कि वाकई में सीएमएचओ अधिकारी हो सकते हैं। और आते ही उन्होंने जो क्लिनिक जो मुहाना मंडी के पास जो परिवादी है नीरज जायसवाल जो चलाते हैं उनके जो क्लिनिक में रखी हुई जो दवाइयां थी उसको चेक करने लगे। चेक करने के बाद उससे कई सवाल जवाब करने लगे और उसके बाद उस परिवादी को पीछे की तरफ लेके गए और उससे 7,000 रुपए छीन लिए और उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद ये सभी बदमाश थे परिवादी को अपने साथ बंधक बना करके लेके चले गए। किडनैप लेके जाने के बाद सवाई माधोपुर की पुलिया के पास वहां ले गए और उसके साथ मारपीट करी और उसके उसे 1,00,000 रुपयों की डिमांड करी। जब 1,00,000 रुपए नहीं आए तो उसने उनके जो अकाउंट था माफ कीजिएगा जो एटीएम था उस एटीएम से जो नकदी थी वो करीब 50,000 रुपए की लूट ली और उस नकदी को लेकर के वो यहाँ से चंपत हो गए। घटना के बाद जो परिवादी है वो सीधे मुहाना थाने पहुंचा और मुहाना थाना पहुंचने के बाद उसने कंप्लेन दर्ज कराई है और उन कंप्लेन को देखने के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो वाकई में वो घटना सही पाई गई। सीसीटीवी में उन बदमाशों की जो तस्वीर है वो कैद हुई है। ये सभी बदमाश खुद को सीएमएचओ अधिकारी बनकर के आए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली घटना नहीं हुई आयुषी, इससे पहले भी करदनी इलाके में देखने को मिला, इसके पहले मानसरो इलाके में देखने को मिला जब एसीबी अधिकारी बनकर के आए थे, करदनी के अंदर पुलिसकर्मी बन के आए तो लूटपाट करके वो यहाँ से चले गए, ऐसी घटना यहाँ पर सामने आई है। तो ऐसे में हमारा जो एवन टीवी है हम भी ये अपील करना चाहेंगे हमारे इन खबरों के माध्यम से ज्यादा जो लोग बाग हैं वो जागरूक हों और ये देखें कि कोई भी अधिकारी अगर शख्स यहाँ पर इसी भी अधिकारी बन के आता है, पुलिसकर्मी या इनकम टैक्स या फिर सीएमएचओ अधिकारी बनकर आता है तो सावधानी पूर्वक उसके आईडी कार्ड को चेक करें और या फिर लोकल थाने से संपर्क करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी सबसे पहले आएगा तो निश्चित तौर पर लोकल थाना पुलिस को सूचना देकर के आएगा और उसके बाद वो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आता है। ऐसे में दिवाली का जब त्योहार है तो लोगों को वास्तव में यहाँ पर सजग रहने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल ये जो घटना सामने हुई है, अब इस घटना के बाद पुलिस को कुछ क्लू मिले हैं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस और जो गाड़ी के जो नंबर आए थे उन नंबरों के आधार पर भी पुलिस है जो जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो नंबर आए थे वो नंबर तो फिलहाल फर्जी पाए गए, लेकिन जो सीसीटीवी से और जो टेक्निकल जो टीम है जो लगी हुई है बीटीएस जो देख रही है पुलिस, उन बीटीएस के आधार पर निश्चित तौर पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो बदमाश ये फर्जी तरीके से लूटपाट करके गए हैं निश्चित तौर पर उनको पुलिस है जो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर देगी। जी यादविंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे